नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्पोर्ट चैनल पर। आज मैं आपको सात रुपये का की ओडीडी की टीम दूंगा। डोमेस्टिक ओडीआई चल रही है, कैप कोबरा वर्सेज डॉल्फिन की। दोस्तों दोनों ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और डॉल्फिन की ओर से रोबी फ्रेलिंग स्क्वाड्स में नहीं इंजर्ड हो चुके, तो वो नहीं खेलेंगे, उनको मत पिक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से कैप कोबरा में सभी एक चेंज हुए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों की प्लेइंग इलेवन के बारे में दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कैप कोबरा का प्लेइंग इलेवन क्या है। जाने मन मरन ओपनिंग करेंगे, फॉर्म में तो उतने ही नहीं चल रहे हैं। पीटर मरन ने पहला मैच तो 50 किया था, लेकिन दूसरा में जल्दी आउट हो गए थे। आप देखिए तीसरे नंबर हम जाएंगे, स्क्वाड में ऐड किया गया आइजक डिकले के बदले, आइजक डिकले स्क्वाड में नहीं है, तो उनको मत पिक किया दोस्तों। एंड जैसे भी काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, 3 विकेट भी लिए थे पिछले मैच में। एंड अब बैटिंग चार नंबर बैटिंग करने आएंगे, बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। काइल इनका तो पूछिए मत, दो पहला मैच में 84 रन मारा, दूसरे मैच में 114 रन मारा, तो इनको तो लेना बनता ही है। एंड छः नंबर पर मगजीम आएंगे, फिर जॉर्जलैंड है, 7 नंबर पर स्पिन बॉलर है, एंड डैन पिट है स्पिन बॉलर, फिर डैन पीटरसन पेसर है। एंड बोकाको रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि इनको ग्रैंड लीग में ही पिक कीजिए, क्योंकि रोरी को स्क्वाड में ऐड किया गया और मुझे लगता है कि इनको रोरी खिलाया जा सकता है बोकाको को जल्द बदले। एंड यहाँ से अखोना को ले सकते हैं, तो ये हो सकती है कैप कोबरा प्ले इलेवन। चलिए बात कर लेते हैं डॉल्फिन की प्ले इलेवन दोस्तों। आप देख सकते हैं डॉल्फिन की प्ले इलेवन, मोने वाइक पिछले में काफ़ी मैंने जल्दी आउट हो गया, परफॉर्म नहीं कर पाए। फर्स्ट मैच में 0 रन पर आउट हो गए थे और मोने वाइक, और दूसरा जस्ट इसके पिछले मैच में 37 रन मारा। एंड वगनमन जसवाल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, कि पिछला मैच तो फर्स्ट का मैच में अच्छा परफॉर्म किया, 7 शतक मारा। एंड सेकंड मैच 27 रन मारा। रेन ब्लास 84 रन मारा, पिछले मैच में भी कुछ समथिंग 47 कुछ रन मारा, तो भी जैसे फॉर्म में चल रहे हैं। डेन विलर भी डेन विलर ने दोनों मैच में 50 प्लस मारा, पहला मैच 84, दूसरे में कुछ 50 प्लस मारा। एंड डेन डेविड विलर भी कभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी 47 कुछ मारा पिछले मैच में। एंड इले भी कुछ बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल निकाल रहे हैं। और ये अच्छे नंबर पर ही आएंगे सनीवन खाया जोंडो, परफॉर्म नहीं कर पाए, खाया जोंडो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप ले सकते हैं, ग्रैंड नेम ट्राई कर सकते हैं, कैप्टन से खेलेंगे जरूर, कैप्टन है। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों कोई एक ही खेलेगा, तो यहाँ किसी को मत पीजिए दोस्तों। सुब्रैन कभी अच्छा परफॉर्म, दोनों मैच में 4 विकेट लिए। एंड सेजी भी कभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं ताहिर, तो ये हो सकती है प्ले इलेवन डॉल्फिन की दोस्तों। डॉल्फिन लगातार 2 मैच जीता है, और कैप कोबरा ने 1 मैच जीता 1 मैच हारा, पिछला मैच जीत गई है, तो चलिए दोनों अच्छी फॉर्म होगी, चलिए मुकाबला अच्छा होगा। चलिए बात कर लेते हैं टीम की प्ले स्पॉट टीम की दोस्तों। दोस्तों जिसने प्ले स्पॉट खेलना स्टार्ट नहीं किया खेल सकता, काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, यकीन मानिए काफ़ी अच्छा ऐप है। आप देखिए दोस्तों, फॉर न्यू यूजर्स 100% कैशबैक, 100% कैशबैक ऑन ए डिपॉजिट थ्रू फोनपे, जो 22 और 28 फरवरी के बीच में रजिस्टर करेगा। रेफरल कोड यूज़ करके ही रजिस्टर कीजिएगा, तभी बोनस मिलेगा। विदाउट रेफरल कोड आप रजिस्टर कीजिएगा तो बोनस नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मेरा रेफरल कोड है कूल 1776, ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों। यहाँ 100% बोनस भी यूजेबल है कोई भी लीग में, 1, 2, 3 जो मेम्बर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग कोई भी लीग में 100% बोनस यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। चलिए और यहाँ पेटीएम में वीडियो भी होता है, विद इन सेकंड हो जाता है दोस्तों, आपको प्रूफ दे चुका हूँ। खेलना चाहिए खेल सकते, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं टीम की, कैप कोबरा वर्सेस डॉल्फिन की टीम बनाते हैं। तो विकेट विकेट में डैन विलास और काइल है, फिलहाल मैं डैन विलास के जा रहा हूँ काइल के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों मैच में एक में तो 84 रन मारा, दूसरे में 140 रन मारा, काफ़ी अच्छे फॉर्म में, तो इनको मैं ले रहा हूँ। आपके पास डैन विलास जो भी है काफ़ी अच्छे फॉर्म में, एंड मोने वाई भी और काफ़ी अच्छे हैं, लेना चाहे ले सकते किन्हीं को भी। ऑलराउंडर बात कर लूँ, एंडियो को लेना ही है। एंड यहाँ से मैं जैसन स्मिथ को 4 नंबर बैटिंग करने का, बॉलिंग में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, और अभी फील्डिंग तो नहीं खेलेगा, उनको मत कीजिएगा। एंड यहाँ जॉर्ज लिंडेक्स से जा रहा हूँ, वो भी काफ़ी
सात छः सात बैटिंग करने आएंगे और बॉलिंग उधर सब पूरा कंप्लीट होकर करेंगे, स्पिन बॉलर है तो इनको ले रहा हूँ दोस्तों। आपके पास ऑप्शन में सेफ ऑप्शन में है सुब्रान है जो काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर लगातार दो मैच में लगातार दो दो विकेट लिए, चार विकेट निकाला है। बैटिंग बात करें बैटिंग में मैं यहाँ से लूँगा डेविड मिलर को लूँगा एंड पीटर मलन को लूँगा, जॉस वाल्ड को लूँगा एंड ऑप्शन में एक और आप एक और प्लेयर ले सकते हैं जो सेफ ऑप्शन हो। तो यहाँ से मैं जाने मन मलन से जा रहा हूँ जो ओपनिंग करेंगे पीटर मलन के साथ। बॉलिंग बात करें बॉलिंग में मैं लूँगा डैन पैटरसन को लूँगा, डैन पीट को लूँगा एंड इमरान ताहिर को लूँगा दोस्तों। तो ये बॉलर में रहेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्रेडिट टीम अनबैलेंस हो गई है, टीम बैलेंस करने के लिए टीम बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं डैन पीट को ले रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग भी कर रहे हैं और बैटिंग भी कर अच्छा सात आठ पे बैटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप चाहे पैटरसन को ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बॉलर है, दो सौ कंप्लीट बॉलिंग करेंगे। और यहाँ से मैं लूँगा सेजी को ले रहा हूँ, अभी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं खेलेंगे जो कंफर्म खेलेंगे। तो ये मेरी टीम होगी दोस्तों। दोस्तों आपके पास विकेट अच्छे ऑप्शन डैन विलास है एंड वन वाइन वाइक है, आप जिनको लेना ले सकते हैं, क्रेडिट कोई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वन वाइक को ले लीजिए या डैन विलास को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, आप लेना चाह ले सकते। जैसे आप मैंने आप यहाँ डैन विलास को ले लीजिए, यहाँ से आप आराम से इनको हटाकर सेजी को हटाकर आराम से ले सकते हैं, डैन पैटरसन को ले सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये टीम बैलेंस भी हो गई, आप डैन विलास भी कभी ऐसे फॉर्म में, कायल भी कभी ऐसे फॉर्म में और वन वाइन भी तो फॉर्म में आ चुके हैं पिछले में तीसरा नंबर। तो ये टीम हो गई देख सकते हो, तो मैं दिखाया था हूँ डैन विलास है, एंडिले है, जॉर्ज लिंडे है, जैसे स्मिथ है, डैन पैटरसन है एंड डैन पीट है, इमरान ताहिर है, डेविड मिलर है एंड जानेमन मलन है, पीटर लुमिन है, जॉस वाल्ड है। कैप्टन के बता दूँ, कैप्टन में जेसन स्मिथ रहेंगे जो चार नंबर बैटिंग करना आएंगे, बॉलिंग भी कर रहे हैं एंड वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे कहाँ गए जॉस वाल्ड हैं, तो ये मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे दोस्तों। तो ये मैंने सेव कर लिया, आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, डैन विलास जो काफ़ी अच्छे फॉर्म लाता है 50 पर दोनों मैच मारा है एंड डेविड मिलर भी हैं एंड पीटर मलन भी हैं, तो ये सब ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन में। आप बस एंडिले भी ऑप्शन में कैप्टन वाइस कैप्टन में लेना चाहे ले सकते हैं, यहाँ पर जसवाल नहीं लेना चाहते आप एंडिले कर लीजिए, बॉलिंग और बैटिंग दोनों कमाल दिखाएंगे। तो ठीक है, मैंने वाइस कैप्टन इनको बना लिया, तो ये मैंने सेव किया दोस्तों। चलिए आपके सामने ज्वाइन भी कर रहे थे, पब्लिक पोर्ट में गया आपके सामने गया ज्वाइन किया जो है, यहाँ से नीचे से गया मैं, यहाँ से मैं ज्वाइन भी कर लिया आपके सामने, यह ज्वाइन किया पब्लिक पोर्ट इसीलिए खेलता क्योंकि कमीशन भी कम लेता है प्ले स्पॉट और विनिंग भी ज़्यादा होती है क्योंकि कंपटीशन कम, विनिंग भी ज़्यादा होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है यहाँ, इसीलिए विनिंग भी ज़्यादा होती है। चलिए तो सब बात कर लेते हैं अब ड्रीम इलेवन टीम की दोस्तों। ड्रीम इलेवन आप पता ही होगा, यहाँ डेडलाइन की टाइम चेंज होगा हो चुका है, आप मतलब टॉस के बाद भी टीम एडिट कर सकते हैं, इसलिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मैंडेटरी होगा क्योंकि अगर कोई चेंज करना होगा तो ड्रीम इलेवन टीम में आपको अपडेट कर दूंगा क्योंकि प्ले इलेवन पता चल जाएगा आपको, इसलिए इसलिए बात करें तो यहाँ से मैं लूँगा काइल को ले रहा हूँ एंड बैटिंग में लूँगा डैन मिलर, पीटर मलन एंड जॉस वाल्ड को ले रहा हूँ एंड यहाँ से मोने भाई को लूँगा। तो ये मेरे बैटिंग में रहेंगे टीम रहेंगे दोस्तों, आप जनरल मलन भी हैं सेफ ऑप्शन लेना चले सकते हैं, आप पास खाया जोंडो भी हैं, मैगजीमा भी हैं एंड मेनिंगम भी है, ये सब लेना चले सकते हैं। आप प्लेन इलेवन बता चुके हूँ, आप वहाँ से लेना चले सकते किसी को भी। ऑलराउंडर बात करें तो ये दोनों खेलेगा नहीं, तो इनको पिक मत करना है, डेले को लेना है, जॉर्ज लिंडे को लूँगा, रोबी तो नहीं खेलेगा इनको मत पिक कीजिएगा एंड जेसन स्मिथ को लूँगा मैं। तो ये ऑलराउंडर पिक करेंगे, बॉलिंग बात बॉलिंग में डैन पीट पैटरसन एंड इमरान ताहिर रहेंगे दोस्तों, वही सेम टीम जो ने आपको ड्रीम में दिया है। आपको चेंज करना चाहे कायल को हटाकर डैन विलास को ले लीजिए, आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें मैं कायल के साथ जा रहा हूँ एंड यहाँ कैप्टन वाइस सेम जेसन स्मिथ एंड नीले वाइस कैप्टन, ये मैंने सेव किया दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई न्यूज आती तो अपडेट कर दूंगा, मेरे चैनल को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, मेरा फिलहाल प्रोड्यूस का बोनस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।
बेस्ट ऑफ लक की विनिंग।